नमस्कार सुप्रभात प्रथम खबर को स्वागत करछि मुनि वेदिता प्रथमे हेडलाइंस पुरी जिला बड़ंगा थाना रे विस्फोरण मालगोदाम गृह रे विस्फोरण घटी व्यापक क्षयक्षति कारण अस्पष्ट पैंतीस प्रकार नूतन किसमर फसल को राष्ट्र उद्योग में समर्पण करेंगे प्रधानमंत्री दिन एगारटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवे मोदी उन्नत ज्ञानकौशल विकसित नुआ किसमर फसल जो रही जलवायु परिवर्तन और पुष्टिहीनता सह लड़बार क्षमता श्रीमंदिर रत्नभंडारु चोरी हो जाए कि सुना अलंकार 1960 मसीहा परठारु रत्नभंडार चाबी ट्रेजरी को जाए ना सूचना अधिकार आईन में आसला बड़ तथ्य कहा पाखरे थिला चाबी रत्नभंडार सुरक्षित अचित रत्न सृष्टि हला बड़ प्रश्नवाची निर्वाचन पर निर्वाचन जाउछि पूरण होनी पिपिलीवासी दाबी 30 वर्ष पर भी स्वप्न पलटिछि पिपिली रे बस स्टैंड निर्माण कार्य गमनागमन को नहीं स्थानीय जनसाधारण को असुविधार सम्मुखीन प्रश्न पचारे मुह बुलाउछन्ति बिजेडी दलर विधायक प्रार्थी भारत में बरमुडा ट्रांगेल बात्या गुलाब बेले घटला रहस्यमय घटना 100 रु अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचला रहस्यमय बोट ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी गटाक नहीं एबे भय उभय आंध्र और ओडिशा रे चर्चा पुणि थरे ओडिशा सीमांत आंध्र दादागिरी कोटियार विभिन्न गांव में लगला तेलुगु भाषा रे नामफलक किछि दिनर निरवता पर विवादीय परिस्थिति सृष्टि करबाकु आंध्र उद्यम राज्यर चारिपट पड़ोसी नालियाकी देखाउथवा बेले चुप असिछन्ति राज्य प्रशासन वीर संग्रामिक देशप्रेम को झुरुचे रक्ततीर्थ इरफ शहीद दिवस अवसर देश मन पकाउछि 28 स्वाधीनता संग्रामिक प्राण बलिर कहानी 1942 मसीहा आज दिन में साधारण सभा उपर ब्रिटिश फौज करिथिला आखिबुजा गुलीबर्षण दुर्बल होगा सहित लघुचाप रूप नहीं पश्चिम भारत मुहा बात्या गुलाब सेपटे बंगोपसगर राज्य को आउ दुई लघुचाप आसवा नहीं आकलन 38 सेप्टेम्बर और अक्टोबर 9 सृष्टि हेब दुई लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में दुई सप्ताह पर्यंत ओडिशा रे लागी रहिब वर्षा एवं नुआ करिबार आशा नहीं कमला देखाइछन्ति कमाल देशर सबुठ क्षुद्र कार्यक्रम फ्रिज तैयारी करी बीटेक छात्र साउंटले प्रशंसा निजर उद्भावन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान मिलिबा आशावादी भद्रक कमल किशोर माझी आसवा संपूर्ण खबर को पुरी जिला बड़ंगा थाना विस्फोरण पुरी जिला बड़ंगा थाना थिबा मालगोदाम गृह में हो बड़ धरणर विस्फोरण गतकाल विलंबित राति विस्फोरण में थाना व्यापक क्षयक्षति होई तेबे घटना किपर घटला तार कारण कौन से नहीं किसी स्पष्ट सूचना मिल पारिना वर्तमान सुधा तबे पुरी जिला बड़ंगा थाना विस्फोरण घटी पूरा घटना को नहीं आलोचना करिबा कालचरण साहू आम प्रतिनिधि सदासक जोड़ी होती कालचरण विलंबित तो राति विस्फोरण घटी कौन कारण होता पारे जेहेतु सका समय है जे गत काली विलंबित तो रातिर घटना बर्तमान पर्यटन किसी स्पष्ट सूचना आसी पार्टी कि विस्फोरण कारण कौन होता पारे निश्चित भाव निवेदिता प्रथम चित्र देखा चाहूँ ताप स्थानीय लोकों आम प्रतिक्रिया ना कि थाना बड़ंगा थाना आप चित्र देखिपे कि भाव में संपूर्ण भाव राति जो गोटे बाजिता से समय भितर थाना भितर कि बाण होगा अर्थात जो बैटेरी बाण विस्फोरण हो गोटे प्रकार आलोचना हो संपूर्ण भाव थाना पूरा ध्वंस पलट जाए छात जो छात गुड़िक रही घर गुड़िक दुई तीन चार बखरा पाखापाखी घर संपूर्ण भाव नष्ट आप चित्र देखुवे बड़ंगा थाना भितर चित्र जो राति
पाखापाखि गोटे समय भितर एभय विस्फोरण घटीला ए भयानक विस्फोरण थिला एतबे पूरा क्वाजाई पारियो बड़ धरण विस्फोरण होईचे एतबे थाना भितर जो रहीचे पाखे रहितबा जो सीज करा जाय जो बाण गुडी के हो बा बैटरी गुडी के हो से थाना निकट एक बखरा भितर थिला सेई जगार विस्फोरण सृष्टि होता मध्य गोटे प्रकार संदेह प्रकाश पाउचे किंतु वास्तव रे विस्फोरण केउ कारण होईचे ता वर्तमान स्पष्ट होइ नथिया बा थाना चित्र अपन देखि पारतोय क्वाजाई पारियो फास्ट विजुअल आमे चित्र देखैबा को चाहौचु जतबे राती गोटाए पाखापाखि समय रे एभय गोटे दुर्भाग्यजनक घटना घटीला कारण काई किना तबे पिपिली उपनिर्वाचन चालीची पिपिली उपनिर्वाचन समय रे पूरा जिल्लार पुरी जिल्लार समस्त वरिष्ठ अधिकारी माने पुलिस अधिकारी माने आसिकी पूरा पिपिली अंचल डेरा पकाइथवे ब्रह्मंग ए जो हमर बंगा थाना आमे चित्र देखाउछु राती पाखापाखि गोटाए समय रे आपन सीधा सख चित्र देखु तबे आमे मते किछि चित्र देखैबा को चाहिबु जो अनेक जगह रे बाणगुडीक मध्यम पड़ी रहिछि जो बाणगुडीक मते आपन देखि पारथबे सीधा सख एई जगह सीज करिके रखा जायथे बाणगुडीक एवं एई बाणगुडीक देखि पारथो ताळ फुटिक रहिछि केतक अनेक किछि बाण जो गुडीक कि बाणात्मक बाणगुडीक रहिछि संपूर्ण भाबरे एई जगह रे पड़ी रहिछि एई जगह रे हि बाण रखा जायथे जो सीज कर जायथे बंगा थाना अंचर जो बाणगुडीक सीज कर जायथे एई जगह रे हि रखा जायथे अति थाना निकट कि भई बेफारक भाबरे थाना निकट रे बाणगुडीक सीजर गुडीक रखा जायथे ताकु रे कि बड़ प्रश्न सृष्टि हेछि कारण काहे किना थाना जोठि ओआईसी रहउछंती जोठि थाना अधिकारी मान रहउंती जोठि अपराधी मान आसी रहउंती जो हाजत भितर से थाना निकट रे थाना घर को लागि कि गोटिए बखरा भितर किभय भाबरे बाण रखा जायथे ताकु रे कि बड़ प्रश्न सृष्टि हेछि जेंति कहउतले गतकाली विलंबित रात्रि रो घटना गोटाए समय रो घटना से समय रे कोनोसी पुलिस अधिकारी सेठारे नथिले तो कहीं जो भाई भाव विस्फोरण घटे आप चित्र देखा ये निहती भाव में गोटे बड़ धरणर विस्फोरण होठे कौन अपराधी कथा कहतु कि कौन पुलिस अधिकारी के नथिले तो सेठे सेमती कौन धनजीवन उपरे प्रभावित तो होनी तो सेमती कौन भूल किमती कौन दुखद खबर ना तो निश्चित भाव निवेदिता आप जो भाव में कहते जिते बड़ विस्फोरण निश्चित भाव में होना कहीं संपूर्ण जब छात घर गुड़िक संपूर्ण पूरा उड़ीगला चित्र देखा मिले पूरा ध्वंस पलटि गला चित्र गोटे बखरा नुए तीन रु चार बखरा संपूर्ण भाव ध्वंस होती पाखापाखि जितोटी पांच रु सात बखरा घर रही संपूर्ण फाटिक तले लुटी पड़ी आप देखिपुर चित्र पाखे पानी टांगी टे रही से ता प्रभाव पड़ता गोटे प्रकार चर्चा होती बड़ प्रश्न ये जनी जे सेंट्री दायित्व थिले जन पुलिस कर्मचारी से ही थाना सम्मुख में बसी रात जहाँ स्थानीय लोक कह अनुसार पुलिस अधिकारी मैंने कहवा अनुसार जनी केवल सेंट्री दायित्व थी पुलिस कर्मचारी जनक थाना दुआर मुहर बसते तेज एभली आवाज सुविधा से थाना भितर बाहरी दौड़ पलाइले बाहर को अपेक्षे बर्ती जाइए जनक जीवन बोली कहपर एवं किभ भाव में एत बड़ दुर्घटना घटला नहीं कि तदंत हमार आवश्यक रही थाना अति निकटे कहीं बाण गुड़िक रखाला नहीं कि बड़ प्रश्न सृष्टि होती कहीं जो जिन जो मानने जिनस गुड़िक सीज कर कहीं रखाला ना अनेक पक्ष चर्चा हो गोटे बड़ धरण विस्फोरण कहीं घटला क्या उद्देश्य कौन पर घटनाटी ए घटनाटी घटना पचर कौन रही था रहस्य नहीं तो बर्तमान सुधा स्पष्ट हो नु बड़ विस्फोरण घटी चर्चा होरी पुलिस एसपी आसिक तदंत कर गोटे आलोचना होमें सीधा सख चित्र देखा नवेदिता आप देखिपे स्थानीय अंचल में गोटे प्रकार पूरा चर्चा लगी रही कि भाव विस्फोरण किभली घटला एवं ए जो घटवा भितर निश्चित भाव में क्योंना क्यों गोटे बड़ अघटन घटी पारी था कारण कहीं जड़े पुलिस कर्मचारी बर्ती जाइंटी जहाँ चर्चा होतु स्थानीय लोक कहवा अनुसार जो विस्फोरण घटला अंचलटा पूरा थरी जाता विस्फोरण आवाज में पूरा संपूर्ण भाव ताब्दा हो जाता अंचल कितु जितेबाद सबू दिगक देखा जदि कहीं थाना निकट में विस्फोरण गुड़िक जबत कर रखा जाता कहीं थानार दूर रखाला नहीं कि बड़ प्रश्न सृष्टि है जितेबाद जो ओआईसी बसंती जो पुलिस कर्मचारी मैंने बसंती जो अपराधी मैंने आसला पर हाजत भितर जो रुंत से ही स्थान निकट में कहीं रखा जाता नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि किंतु यदि चिंता करवा जिते पिपिली उपनिर्वाचन चली वरिष्ठ अधिकारी मैंने आसिकी पैंतार मार्ते अंचल मानक कहीं पिपिली अति निकट में थानाटी रही पिपिली निर्वाचन मंडल तेज वरिष्ठ अधिकारी मैंने पैंतार मार्थवे रात गोटे समय घटनाटी घटला समस्त अधिकारी मैंने आठ आसिक पहुंची तदंत करते कि स्पष्ट हो
जाणिनाए विस्फोरण किभि घटला जहाँ आलोचना होची बैटरी फाटी अर्थात जो बाण गुड़ी तादूर मत विस्फोरण होता पारे बोलिक चर्चा होती आम आलोचना करवा स्थानीय लोक मैंने कहीं स्थानीय लोक मूंड सका जमी स्थानीय लोक मान सका शुणी थे आवास टी लोक मन में भय सृष्टि कारण कहीं भितर कौन थी एत बड़ विस्फोरण घटला जहाँकि नहीं कि एत घर द्वार संपूर्ण नष्ट हो गला जी भी गोटे बड़ प्रश्न जिते थाना भितर निश्चित भाव तो जिते जेकोसी लोक अपराधिक कार्यकर्ता से तो आसिक थाना भितर रही था कि गत काली रात किए थे ना थे ताहत बर्तमान सुधा जेहतु वरिष्ठ अधिकारी प्रतिक्रिया मिलवाक नहीं बर्तमान सुधा स्पष्ट होगाक नहीं तो कि निश्चित भाव में कह जाए बड़ अघटनटे बर्तमान जहाँ आदूरे गला चर्चा होती भाई आप कल रात ड्यूटी थे कौन देखी जहाँ जन जो पुलिस अधिकारी जनक पुलिस कर्मचारी जनक रात सेंट्री ड्यूटी थे बोलिकी कह जाए प्रतिक्रिया नौ से कहवा कथा रात ड्यूटी नुलु तेरे ये बड़ प्रश्न एत बड़ घटना पर पुलिस अधिकारी कहीं प्रतिक्रिया देवाक आसुना बड़ प्रश्न सृष्टि होम चित्र देखा चाहूँ जो भी भाव में जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी थे चित्र देखा कारण कहीं तेज ड्यूटी करते कि विस्फोरण घटला ता तो निश्चित भाव में गणमाध्यम प्रतिक्रिया रखा आवश्यक रही विस्फोरण पक्षे कौन थे घटनाटी ता तो बर्तमान सुधा स्पष्ट होना कितु गोटे बड़ दुर्घटना कह जाए बड़ अघटन कह जाए तेज यही जगह बोध आसिक अपराधी मैंने रहा रही था पुलिस अधिकारी मैंने रही था कल रात किए थे कौन ड्यूटी थी अपराधी मैंने किए थे ना जो अपराधी थाने कुआर गले तो बर्तमान सुधा स्पष्ट हाक नहीं निवेदिता कि गोटे बड़ दुर्घटना घटी थी घटी कहुपूर्ण संपूर्ण जो चित्र देखा पूरा पूरी ध्वस्त विध्वस्त हो जाए कहीं गोटे बड़ अघटन कह जाए जे एत बड़ विस्फोरण है सब आश्चर्य कथा थाना को लगे गोटे रूम रे एते सब विस्फोरक सामग्री रखा गैस सिलिंडर रही चित्र आप देखा अनेक जो बाण रही विस्फोरक रही तेज केमती रखा जाता जदि से कौन सी कर्मचारी ड्यूटी में था गोटे बड़ अघटन घटी था एड़ा जा पार ना बहुत बहुत धन्यवाद कालुचरण साहू आम रिपोर्टर्स दास ग्राउंड जीरो को जाते जो भाई भाव विस्फोरण घटी बड़ंगा थाना तार पूरा चित्र देखा एक्सक्लूसिव विजुअल फास्ट विजुअल अर्ग स्क्रीन माध्यम देखी पाँच ये हूँ बड़ंगा थाना चित्र पुरी जिला बड़ंगा थाना कौ भाव गत काली विलंबित रात में विस्फोरण घटी तार तमाम चित्र आम प्रतिनिधि काउचरण आमको देखा आज 35 प्रकार नूतन किसमर फसल को राष्ट्र उद्देश्य समर्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन 11टा समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यह सब फसल गुड़ी देश समर्पण करेंगे जमापड़ उन्नत ज्ञान कौशल को नहीं आईसीएआर द्वारा 35 फसल नुआ किसम को विकसित करा जलवायु परिवर्तन और दृष्टिहीनता सह लड़बार क्षमता रखी एथस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रायपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रो नूतन कैंपस को उद्घाटन करें जमापड़ अवसर में प्रधानमंत्री कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस घोषणा करने सहित चाषी मान सहित आलोचना करार कार्यक्रम रही श्रीमंदिर रत्न भंडार चोरी हो जाए कि सुना अलंकार अर्गो सातरे एक्सक्लूसिव दस्तावेज 1960 मसीहा रत्न भंडार चाबी ट्रेजरी को जाए नहीं सूचना अधिकार आईन रे आसला बड़ तथ्य कहा पाखरे थिला चाबी होइछि कि बड़ षड्यंत्र सृष्टि हला प्रश्नवाची श्रीमंदिर रत्न भंडार चोरी हो जाए कि सुना अलंकार अर्गो सातरे एक्सक्लूसिव दस्तावेज 1960 मसीहा रत्न भंडार चाबी ट्रेजरी को जाए नाई सूचना अधिकार आईन रे आसला बड़ तथ्य कहा पाखरे थिला चाबी होइछि कि बड़ षड्यंत्र सूचना अधिकार आईन रे मगा जाइथिला तथ्य 1960 मसीहा अक्टोबर मास 24 तारीख परठारु श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार चाबी पूरी जिला ट्रेजरी रे केउं तारीख रे दाखल बा जमा होइथिला उत्तर आसला आश्चर्यजनक 1960 परठारु चाबी ट्रेजरी को आसी नाई अर्गो सातरे लागितबा ये होची सही दस्तावेज तबे बड़ प्रश्न का पाखरे थिला चाबी 1960 परे 1973 1978 और 1985 रे किभली खोलिला भितर रत्न भंडार किए देइथिला चाबी काहे कि चाबी जाई नथिला ट्रेजरी को डुप्लिकेट चाबीर रहस्य कौन
डुप्लिकेट चाबी आसिला केउठारु एने राज्य सरकार को ऊपर बसिछन्ती जगन्नाथ थानार आवाहक सीधा सड़क अभियोग करिछन्ती रत्न भंडारर लूट होइछ अलंकार आउ सेतिपई खोला जाउ नाही रत्न भंडार एने खोला चैलेंज भी देइछन्ती प्रिय दर्शन पटनायक सरकारी दलर किए अच्छे माइका लाल जी माँ पेटर क्षीर खाई जन्म होचु आस जाच आप तर्क हम ए तर्क मध्यम जी प्रकृत आप सत्य कौन जगन्नाथ भल पाँच रत्नमंडार खोलिकी देखा जी बापर छुआ ही थे रत्नमंडार खोलिए ना जी दम्बुआ आई थे दगलबाजी आई थे रत्नमंडार बंद जदि आम भूल कौथु से फासी देवे जदि आम ठीक कौथु आपण दंड कौन से आपड़ विचार करेंगे साढ़े चार कोटी ओडिया विचार करेंगे जगन्नाथ महाप्रभु आप विचार कर देखेंगे हाइकोर्ट को निर्देश 2018 एप्रिल रे रत्नभंडार स्थिति अनुधान करिबा पई एक 70 जणिया दल भीतर को जाइथिले चाबी हजि जाइथिबा कहि भीतर रत्नभंडार को न जाई बाहर स्थिति अनुधान करिथिबा तत्कालीन मुख्य प्रशासक गणमाध्यम सम्मुखरे प्रतिक्रिया रखिथिले भीतर रत्नभंडार छात दुर्बल थिबा कथा सेतबेलर जिलापाल भी कहिथिले तापर भी मरामति हेला नै भंडार मेकअप भी मरामतिर आवश्यकता नै बारंबार जणाइछन्ति हेले केहि सुणु नांदी रत्नभंडार पोजिशन उपरे तो काली चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जनई से रिपेयर आवश्यकता रही समस्त सांगे आलोचना करमी यार रिपेयरिंग प्लान कारण तापूर्व जो आम बेसिक कमिटी फर्दर स्टडी मानसून समय स्टडी करेंगे माननीय हाइकोर्ट कहते रत्नभंडार खोलिया तुम कौन हाइकोर्ट बड़ तुम कौन आवश्यकता मन कलनी चोरी धरा पड़ी गलनी आसीगला फोन सियाड़ कौन सी प्रकार खाली ड्रामा कर दियो एवं बाहर सिंहद्वार जिलापाल चाबी देखेकि गले मुझे भिजुआल चाहिए आप काढ़ एमती चाबी पेंथा जिलापाल देखी जाइंट सब गुरुत्वपूर्ण कथा से दिन एसपी तक साइ गले एसपी तक टीम थे जेहेतु सी पुलिस पुलिस जन्म चोर धरवा को पुलिस मुख्य जी एसपी जाणीगले चोरी सी आ गले जानी मुझ गले मो प्रश्न उठो एसपी थी कहीं चोर चोरी कथा कहीं सामने को आसलानी 1985 पर कहीं खोल जाए ना रत्नभंडार रत्न भंडारु चोरी हो जाइछि कि रत्न अलंकार सत सामना को आसिले सरकार राज्यवासी को क्रोधर शिकार हेबे बदनाम हेबे आ एई भरे खोलुनांदि कि रत्न भंडार पुरी रो आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज देश मातृका पई प्राणबलि देथिबा वीर संतान मानक बलिदान को मने पकाई आज रक्त तीर्थ इरम पालन करूछि शहीद दिवस भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक रो रक्त तीर्थ इरम देशर द्वितीय जालियानावालापाक भावे परिचित जोठारे गांधीजी डाकरारे अनुप्राणित होई भारत छाड़ा आंदोलन में सामिल होते भद्रक बासुदेवपुर अंचल शह शह स्वाधीनता संग्रामी से दिन थिला 1942 मसीहा सेप्टेम्बर मस 28 तारीख इरम मेलन पड़िया सभा होता बेले उत्क्षिप्त इंग्रेज मैंने सभा आखिबुजा गुड़चाला जो 28 जन शहीद स्वाधीनता संग्रामी शहीद होते तेरे वीर स्वाधीनता संग्रामी मानक बलिदान को मन पक प्रत्येक वर्ष एठारे शहीद दिवस पालन कर आम प्रतिनिधि प्रशांत आम सहित सदासख जोड़ बासुदेवपुर प्रशांत जो वीर जवान मैंने रही आज समस्ते मन पका कौन सब आज स्वतंत्र कार्यक्रम व्यवस्था कर चित्र कौन हाँ निहत निवेदिता देखु आज हूँ सेप्टेम्बर 28 तारीख जहाँ कि शहीद दिवस भाव पालन करें रक्त तीर्थ इरम पीठ से रही जो जो रक्त तीर्थ इरम द्वितीय जालियानावाग भाव परिचित कहीं अंतरीश जन स्वाधीनता संग्रामी भारत इतिहास देश निजर प्राणत्याग सब गुरुत्वपूर्ण कथा मानने भारत इतिहास जन अंतरीश जन जड़े हूँ महिला संग्रामी थे नाँ हूँ परी बेवा तो से उद्देश्य आज जो शहीद दिवस पालन करशासन पक्ष विभिन्न कार्यक्रम सब हाथ को नि प्रथम तो किसी समय पूर्व जिलापाल आसी की जिलापाल आसिकी जो शहीद स्मृति स्तंभ अच्छी समाधि पीठ अच्छी पुष्पमाल्य तेज या विभिन्न कार्यक्रम सब प्रशासन पक्ष पताका उत्तोलन किसी समय भितर पताका उत्तोलन एडीएम आसवे जो आम जिला आरक्षी बाहन द्वारा तपसलामी कार्यक्रम रही एमती विभिन्न कार्यक्रम रही
କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଯୋଉ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ଶହୀଦ ସମାଧି ପୀଠ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଦିନ ଥିଲା 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଯୋଉ 28 ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରଜାମେଳି କରାହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସେଠି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇରମର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଜାମେଳି କରିଥିଲେ। ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଖବର ପ୍ରଜାମେଳି କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେଇ ଖବର ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି 29 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଉ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେଇ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଇରମ ପୀଠରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନ ସେଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ 2 ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଆଗାମୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 29 ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 1-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କବିତା, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଥିଲା ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଗତକାଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗୀଠାରେ 148 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା କି 28 ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ କି ଯଦି କହିବା 28-30 ବେଳକୁ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଗ କଥା ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ମଧ୍ୟ କୋହଲା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ଏ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତାହା ଭରଣା କରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ଯାହା ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ତାହା ଭରଣା ହୋଇଛି। ଆଉ 10% ମାତ୍ର 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 70% ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବିତା, ଆଉ 2 ଲଘୁଚାପ ଆସିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱୟଂ, ରିପୋର୍ଟର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଜରିଆରେ କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କମଲ, ମାତ୍ର 1,500 ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିକା ଓ ଔଷଧ ପରିବହନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। 18 ଏହି ଯୁବକ ତିଆରି କରିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଏହି ସୃଜନ ମନସ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର କମଲ କିଶୋର ମାଝୀ। ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର 18 ଛାତ୍ର କମଲ ମାଝି ନିଜ ନବସୃଜନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କମାଲ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫ୍ରିଜ୍। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଓ କୁନ୍ତଳା ମାଝିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କମଲ କିଶୋର ବିଟେକ୍ 2 ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନରେ ପିଲାଦିନୁ ଆଗ୍ରହୀ।
କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଟିକା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଏଭଳି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଓ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସବୁ ବର୍ଗରେ ଲୋକ କିଣିପାରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପୁଅର ଏଭଳି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କୁନ୍ତଳା ମାଝୀ ଓ ସାନ ଭାଇ କାନୁନ ମାଝୀ। ମୋ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନାଲ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବନେଇକି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁ ମିନି ଫଙ୍କସନାଲ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବନେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ର ବନା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି, ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ କି ଏଇଟା କେହି ବି କେଉଁଠିକି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇଟା 12 ଭୋଲ୍ଟ 5 ଆମ୍ପିୟର୍ରୁ ଚାଲେ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ବି ଚଲେଇ ହେବ। ମା ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ଯଦି ଏତେ ଆଗେଇ ପାରୁଛି ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଖୁସିର ଖବର। ତାର ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ତାକୁ ବି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉ, ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। କମଲଙ୍କ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ। ମିଳିଥିବା ପଦକ ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି କମଲ। ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରୁଛି ଓ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 1000-1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନେବା ଆଣିବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥିବା କମଲ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍, ଥର୍ମୋକୁଲ, 12 ଭୋଲ୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ଥର୍ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମଡ୍ୟୁଲ, କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, ସେଫ୍ଟି ଗ୍ରିଲ୍ ଓ ସକେଟ୍ ଆଦି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କମଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା COVID-19। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ଦିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ମିନିମମ୍ 15K। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବନେଇଛି ସେଇଟା ଚିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ବନିପାରିବ, ଆଉ ତା କଷ୍ଟ 1000-1500 ଭିତରେ ଇଜିଲି ବନିପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଥର୍ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପେଲ୍ଟିୟର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ କାମ କରେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ତାରି ଉପରେ କରୁଛି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଏମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଇସ୍ରୋରେ ଏଜ୍ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଏନ୍ କରିବି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆ, ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ, ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏଥର ସେ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ମିନି ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି କ୍ୟାରି କରି ନ ହେବ ଅସୁବିଧା ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ, ସେ ଏଇ ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ଟି ସେଥିରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। କମଲଙ୍କ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଫ୍ରିଜ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଗଲେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୀତଳୀକରଣ ଶସ୍ତାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।